त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद भैया। आज के टॉपिक में हम जानेंगे स्टॉक किसे कहते हैं और प्रवाह किसे कहते हैं। दोनों ही टॉपिक जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक किसे कहते हैं। तो स्टॉक को हिंदी में कहते हैं भंडार। तो स्टॉक की परिभाषा को जान लेते हैं कि स्टॉक किसे कहते हैं। तो स्टॉक चर की वह मात्रा है जो समय के एक निश्चित बिंदु पर पाई जाती है। अर्थात जो स्टॉक है उसका जो संबंध है वो एक निश्चित समय बिंदु से होता है। जैसे पूंजी, तो जो पूंजी है वो स्टॉक का उदाहरण है। अभी आगे चलकर हम स्टॉक को और भी डिटेल में समझेंगे सरल से सरल शब्दों में। इस प्रकार से यहाँ पे आपको ये परिभाषा याद करनी है सबसे पहले। उसके बाद दूसरा लेते हैं कि प्रवाह किसे कहते हैं। प्रवाह को इंग्लिश में कहते हैं फ्लो। अब फ्लो क्या होता है? पिक्चर की वह मात्रा जो किसी समय अवधि से संबंध रखती है। तो फ्लो का संबंध जो होता है वह समय अवधि से होता है, ठीक है, पीरियड से होता है, टाइम ऑफ पीरियड से होता है, अर्थात लंबे समय से होता है। तो इसका उदाहरण है जैसे राष्ट्रीय आय हो गया या इसी प्रकार से निवेश हो गया। ये उदाहरण होता है प्रवाह का। ओके जी, इस प्रकार से ये तो हो गया स्टॉक और ये हो गया प्रवाह। तो ये तो परिभाषा भी हो गई और एक एक उदाहरण भी हो गए। तो यहां पर जो पूंजी है और एक है निवेश। तो पूंजी हम पहले बता चुके हैं कि जो पूंजी है वह स्टॉक का उदाहरण है और जो निवेश है वह प्रवाह का उदाहरण है। अब यहां पर हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि माना किसी के घर में एक पानी का टैंक है जिसे हिंदी में कहते हैं हौज। हौज में जो क्षमता है वह 4000 लीटर की है। अर्थात घर में पानी के टैंक है उसकी कुल क्षमता 4000 लीटर की, उसमें पानी 4000 लीटर ही भरा जा सकता है। ओके, पानी के टैंक में देखा कि पानी इस समय कितना उपलब्ध है, उसमें पाया गया 1600 लीटर पानी। तो 1600 जो लीटर पानी टैंक में पाया गया, ठीक है, जिस समय उसको नापा गया, तो यह 1600 लीटर जो उदाहरण होगा वह होगा पूंजी का उदाहरण होगा। ओके, अब बाकी तो टैंक खाली है क्योंकि 4000 लीटर की टैंक है और केवल 1600 लीटर पानी है। तो 1600 लीटर पानी हमने कहते पूंजी का उदाहरण है कि जो कि एक समय बिंदु पर वहां पर उपलब्ध है, ठीक है। उसके बाद 4000 में से 1600 लीटर घटा दीजिए, 2400 लीटर टैंक अब खाली है, ठीक है। 2400 लीटर टैंक क्या है? खाली है। अब क्या होता है? सुबह पानी आता है नल में, ठीक है, नल खोला, अब क्या किया, टैंक में पानी खोल दिया, अब टैंक भर रही है। टैंक क्या कर रही है? भरने का काम कर रही है, पानी लगातार आ रहा है। और 2400 जो लीटर पानी चाहिए टैंक को खाली है, उसको भरने में माना 4 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? अभी लिखा है समय लगा 4 घंटे। तो 4 घंटे में अर्थात 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो 4 घंटे में कितने मिनट होंगे? 6×24 अर्थात 240 मिनट। अर्थात इसमें मिनट से भाग देंगे 2400 लीटर में। तो इस प्रकार से 10 लीटर जो पानी भरेगा, 10 लीटर जो पानी भरेगा वो भरेगा 1 मिनट में, ठीक है। यहाँ पे हमने मिनट नहीं बल्कि ये लीटर है, ठीक है, कि 10 लीटर जो पानी भरेगा वो 1 मिनट में भरेगा। तो 1 मिनट में जो पानी टैंक में भरा वह उदाहरण है किसका? प्रवाह का उदाहरण है, वो फ्लो का उदाहरण है। और जो फ्लो है उसकी तुलना हम करते हैं निवेश से करते हैं। किसे करते हैं? निवेश से करते हैं। इस प्रकार से क्या बताया कि हौज की क्षमता है 4000 लीटर, जिसमें से पानी नापा गया मिला 1600 लीटर। तो 1600 लीटर जो पानी उपलब्ध था उस समय वो पूंजी का उदाहरण है। उसके बाद 2400 लीटर की टैंक खाली पड़ी हुई है, नल में पानी आया, पानी भरने में लेगा 4 घंटे अर्थात 240 मिनट। 240 मिनट 2400 में भाग दिया तो निकल कर आया 10 लीटर। तो इसका मीनिंग हो गया कि 1 मिनट में पानी जो भरा टैंक में वह 10 लीटर भरा। तो जितना पानी 1 मिनट में भरा वो फ्लो का उदाहरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 घंटे तक जो पानी आता रहा टैंक में वो क्या हो गया? फ्लो। तो जो फ्लो हुआ पानी का वह उदाहरण है किसका? निवेश का उदाहरण है। अब आगे चलते हैं, अंतर देखते हैं कि स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर या भेद है या क्या इसमें डिफरेंस है। यहां पर दोनों ही कॉन्सेप्ट स्टॉक और प्रवाह के अर्थात फ्लो के हमारे यहाँ पे एकदम से क्लियर हो जाएगा। परिभाषा तो आपको याद करनी करनी है, लेकिन जब ये उदाहरण आप समझ लेंगे
कि दोनों के डिफरेंसेस क्या है, तो हमारा कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या अंतर है। स्टॉक को हमने पहले बताया, इसको हिंदी में कहते हैं भंडार, और जो प्रवाह है। अब क्या अंतर है, जो परिभाषा में था कि स्टॉक का जो संबंध होता है वो निश्चित समय बिंदु से होता है, निश्चित समय बिंदु से होता है, अर्थात पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से होता है। कैसे होता है कि जैसे कि मेरे पास अभी 12 इकोनॉमिक्स की किताब है तो वह कहलाएगा स्टॉक। 12 किताब जो उपलब्ध है घर पर इकोनॉमिक्स की, वह स्टॉक का उदाहरण होगा। ओके जी, अगला चलते हैं कि प्रवाह, इसमें क्या डिफरेंसेस है। कि प्रवाह की परिभाषा में आया था कि समय अवधि से, अर्थात प्रवाह का जो संबंध होता है वह ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि समय की अवधि से होता है। अब समय की अवधि से होने का मीनिंग क्या है, इसमें लंबा समय लगेगा। ओके, तो मैंने अभी किताबों की बात की, मेरे पास इतनी किताबें हैं और पता चलता है कि एक वर्ष के अंत में मेरे पास 12 किताबें और आ जाती हैं। ओके, तो वह किसका उदाहरण होगा, वह प्रवाह का उदाहरण होगा। एकदम से तो नहीं आ रही है, लंबा समय लग जा रहा है। ओके, दूसरा अंतर क्या है कि निश्चित समय पर चर के परिमाण की मात्रा बतलाता है, अर्थात जो स्टॉक है कि निश्चित समय पर, कि जिस समय हम गिनती करते हैं या माप रहे हैं नाप रहे हैं, उस समय उसका परिमाण कितना है। जैसे पानी का परिमाण बताया मैंने आपको कि हौज में जो पानी है टैंक में वह 1600 लीटर है। ओके, तो उदाहरण किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टॉक का उदाहरण। इसका उदाहरण हो गया, स्टॉक का उदाहरण हो गया। अगला इसी प्रकार से ले सकते हैं कि हमारे घर में चावल कितना उपलब्ध है इस समय। हमारे घर में माना कि 25 किलो चावल है तो वह स्टॉक का उदाहरण होगा। इसी प्रकार से देश के पास कुल भंडार चावल का कितना है इस समय, अभी की बात हो रही करंट की। ओके, तो वह स्टॉक का उदाहरण होगा। ओके, इसी प्रकार से आगे चलते हैं कि प्रभाव में क्या होता है, समय अवधि में चर के परिमाण में वृद्धि या कमी। अब क्या होता है कि प्रवाह का संबंध जो होता है वो लंबे समय से होता है, एक वर्ष का होगा या 6 माह का होगा, जो भी है। ओके, वैसे तो एक वर्ष में गणना की जाती है। तो समय अवधि में क्या होता है कि चर के परिमाण में, जैसे हमने यहाँ पे कहा गेहूं की बात की, ठीक है, यानी चावल की बात भी कर सकते हैं कि चावल का भंडार माना कि अभी देश के पास है 10 लाख टन। कितना है, 10 लाख टन। अब जब अगला चावल आएगा तो ऐसा तो नहीं है कि चावल आज ही बोया, आज ही पैदा हो गया, अगली फसल 1 साल बाद आएगी। ओके, तो उस अवधि में देखेंगे कि चावल में वृद्धि हुई या कमी हुई, ठीक है, कितना उत्पादन हुआ, तो उदाहरण होगा किसका, प्रवाह का उदाहरण होगा। तो चावल के उत्पादन में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। यदि मौसम अनुकूल है तो वृद्धि होगी, मौसम अनुकूल नहीं है तो क्या होगी, कमी होगी। ओके, अगला चलते हैं कि जो स्टॉक होता है उसका उदाहरण है पूंजी, और पूंजी में क्या क्या चीजें आती हैं। केवल पैसा ही नहीं आता कि जो हमारे घर पे अभी उपलब्ध है, ठीक है, वह भी स्टॉक ही है। यदि हमारे घर में भी 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है तो वह स्टॉक है। ओके, तो पूंजी में क्या है कि जैसे देश में सड़क है, रेल मार्ग है, जहाज है, कितने देश के पास है, बंदरगाह कितने, हवाई अड्डे कितने, भवन कितने हैं, कार्यालय कितने हैं, गोदाम कितने हैं, ठीक है। यदि हम अभी गिनती करें इनकी कि कितना है इनका परिमाण, कितनी संख्या में है ये, ठीक है, तो ये जो पूंजी है ये बन जाएगा उदाहरण किसका, स्टॉक का उदाहरण बन जाएगा। ओके, समझ में आ गई बात कि सड़क, रेल मार्ग, अर्थात सड़कों की लंबाई कितनी है, रेल मार्गों की लंबाई कितनी है, जहाज कितनी संख्या में अभी करंट टाइम में, बंदरगाह कितने हैं, पोर्ट कितने हैं, हवाई अड्डे कितने हैं, बिल्डिंगें कितनी हैं, ऑफिस कितने हैं, ठीक है, वेयर हाउस कितने हैं, गोदाम कितने हैं, यदि उसकी गिनती अभी की जाए वर्तमान समय में तो वह उदाहरण होगा किसका, स्टॉक का उदाहरण होगा। अब चलते हैं इसी के सामने निवेश, ठीक है। अब जो निवेश है, पहले बता चुका हूं, ये वो एक फ्लो है, एक फ्लो है, प्रवाह है। अब निवेश, अब देखिए कि माना कि सरकार क्या करती है, सड़क बनाने के लिए पैसा डालती है मार्केट में, तो सड़क बनाने में समय लगता है, क्या लगता है, समय लगता है। इसी प्रकार से रेल मार्ग बनाना है तो समय लगेगा। इसी प्रकार से जहाज बनाने हैं, एक दिन में जहाज नहीं बनता है, 1 साल लग जाता है या ज्यादा समय लग सकता है। इस प्रकार बंदरगाह बनाना है समय लगता है, हवाई अड्डा बनाना है समय लगता है, भवन बनाना है, मकान बनाना समय लगता है, कार्यालय बनाना है, गोदाम नए बनाने हैं तो क्या लगेगा, समय लगेगा। तो
अब समय लगा, माना कि निवेश कर दिया, पैसा लगा दिया, सड़क जितनी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग काम, देखिए 1 जनवरी 2021 से लेकर और 31 दिसंबर 2021 के बीच देखेंगे कि भाई सड़क कितनी बनी, ठीक है, रेल मार्ग कितना बना, ये कितना बना, ये कितना बना, तो इसको बनने में जितना समय लगा, ठीक है, तो इसे कहेंगे परवाह, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, परवाह। तो हर चीज को बनने के लिए क्या चाहिए, समय की जरूरत होती है। ओके, अगला देखिए, तो हमने बात कर दी पूंजी की गिनती कर दी कि हमने 1 जनवरी 2021 को हमारे देश में सड़क रेल मार्ग कितने कितने हैं। ओके, तो ये उदाहरण हो गया स्टॉक का, और यहाँ पे हमने कह दिया 1 जनवरी से 21 से लेकर 31 दिसंबर तक जो निवेश हुआ किसमें, सड़क में, रेल मार्ग में, जहाज में, बंदरगाह में, तो उसमें कितना निर्माण हुआ, तो वह उदाहरण हो जाएगा किसका, परवाह का उदाहरण होगा। एट द नेक्स्ट लेते हैं कुल जनसंख्या, अर्थात यदि हम 2021 में जानना चाहेंगे अभी वर्तमान में कि देश की कुल जनसंख्या कितनी है, अर्थात हमारे देश की, तो बता रहे हैं कि 1,35,00,000 है। तो ये जो उदाहरण होगा ये स्टॉक का उदाहरण होगा। ओके, अब बहुत से की बात है कि जनसंख्या में वृद्धि या कमी, आगे चलकर 2021 से लेकर 31 में देखते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। जनसंख्या क्या होती है, धीरे धीरे करके बढ़ेगी, एकदम से बढ़ जाएगी, कि 1 अरब आज है और कल 3 अरब हो गई, ऐसा कोई संभव है, ऐसा क्यों सपने में हो सकता है। तो जनसंख्या को बढ़ने में समय लगता है या फिर घटने में भी समय लगता है, तो हमने इसलिए समय अवधि कितनी दे दी, 10 साल की दे दी, क्योंकि हमारे देश में जो जनसंख्या की गिनती होती है वो 10 साल में होती है। ओके, तो जनसंख्या वृद्धि या कमी का समय अवधि से संबंध है, इसलिए हमने इसमें 10 साल का समय दे दिया। अब देखेंगे 10 साल के अंत में कितना होता है, कि वृद्धि होती है कमी होती है, तो वो कहलाएगा क्या, परवाह का उदाहरण कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या की बात कर दी, पांचवा देखते हैं कुल बेरोजगार लोग। कुल बेरोजगार लोग यदि आज अभी की बात करें और देश में पता लगाया जाए कि देश में कुल बेरोजगार लोग कितने हैं, ओके, या देश पर कुल ऋण कितना है, देश पर कुल उधार कितना है, इस समय कितना अरब है या खरब में है, और डेट माना कि 10 मार्च 2021 की है, तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में जो गिनती की जा रही है, चाहे हमने कहा जनसंख्या की बात हुई और चाहे कुल बेरोजगार लोगों की बात हुई, तो यह भी स्टॉक का उदाहरण होगा। ओके, अब इसी में देखिए कि एक वर्ष में सृजित रोजगार, क्योंकि हमने अभी बेरोजगारी की बात कर दी, अब जो रोजगार उत्पन्न होंगे तो उनको उत्पन्न होने में तो समय लगेगा। यदि रोजगार उत्पन्न होना, ऐसा नहीं कि सरकार ने आज ही घोषणा कर दी कि हम 20 लाख जॉब क्रिएट करेंगे, तो जॉब तो इतनी जल्दी क्रिएट नहीं होते हैं। यदि सरकारी जॉब की बात ही कर रहे हैं तो पहले क्या होगा, विज्ञप्ति आएगी, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आएगा, फिर फॉर्म भरे जाएंगे, फिर परीक्षा होगी, ओके, फिर परीक्षा का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद अपॉइंटमेंट लगता है, अर्थात 1-2 साल का समय लग जाता है। ओके, तो इसलिए एक वर्ष में रोजगार का जो सृजन होगा, क्योंकि वो समय अवधि से संबंध रखता है, इसलिए वह परवाह का उदाहरण होगा। अगला है कुल ऋण, अभी बात कर चुका हूं कि अभी कुल ऋण कितना है देश पे, माना कि हमारे देश पे ऋण है 1,00,000 रुपया, तो अभी गिनती की प्रेजेंट टाइम में, अर्थात स्टॉक का जो संबंध है वह वर्तमान समय में से होता है, कि जिस समय उसकी हम गिनती करते हैं, तो गिनती हमको करते हैं वर्तमान में तो करते हैं, और जब भविष्य में करेंगे तो वो उधर परवाह में चला जाएगा। ओके, तो कुल ऋण कितना है देश पे, अर्थात 10 मार्च 2021 को देश पे कुल जो ऋण होगा वह स्टॉक का उदाहरण होगा। और इसी में देखिए जैसे बचत है, आय है, अब बचत क्या होती है, एक दिन में तो बचत होती नहीं है, यदि व्यक्ति जॉब लगा, ठीक है, वेतन कब मिलेगा, 1 महीने मिलेगा, तो बचत कब करेगा, शुरू उसकी बात करेगा, तो बचत करने में समय लगता है। ओके, बचत करने में समय लगता है, इसी प्रकार से आय इनकम कब आती है, 1 महीने में आती है या फिर 1 साल में पूरी गिनती कर ली जाती है। इसी प्रकार से जो राष्ट्रीय आय है या जो राष्ट्रीय उत्पादन है, रोजगार है, ब्याज है, इनकी जो गणना की जाती है वह वार्षिक की जाती है, एक वर्ष में की जाती है कि हमने कितना ब्याज देना है विदेश का, भाई लोगों को कितना ब्याज देना है, ठीक है, रोजगार कितना बना, कितना उत्पादन देश के अंदर हुआ, ठीक है, या नेशनल इनकम की जो गणना होती है वो 1 वर्ष में होती है। इसी प्रकार से बचत कितनी भी देश के अंदर 1 वर्ष में गणना होगी। ओके, तो इस प्रकार से इस तमाम जो उदाहरण मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, ये उदाहरण है परवाह के, किसके हैं, ये परवाह के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से
कुल व्यक्तिगत संपत्ति, यानी आपके पास कुल संपत्ति कितनी है इस समय, आपके पास कितने खेत हैं, कितने खलियान हैं, कितने मकान हैं, कितनी दुकान है, आपके घर में कितना सामान है टोटल अभी वर्तमान समय में, माना आज की डेट में 31 मार्च 2021, ठीक है, ये काल्पनिक डेट है सारे, कि 1 मार्च 2021 को किसी व्यक्ति के पास कुल संपत्ति कितनी है, ठीक है, रुपए में गिन दी हमने, ओके, इसके मूल्य निकाल दिया, तो वह हो जाएगा स्टॉक का उदाहरण, ओके, ये क्या हो जाएगा, स्टॉक का उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, ये स्टॉक हुआ अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको स्टॉक के दिए और बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको प्रवाह के दिए। तो इस प्रकार से जब स्टॉक हमें पूरा तरह से याद रहेगा उदाहरण सहित, और इसी प्रकार से प्रवाह भी हमें सही ढंग से याद रहेगा, तो डेफिनेशन जानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से संबंध होता है स्टॉक का, और प्रवाह का जो होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड जरा लंबा होता है, पीरियड क्या होता है, लंबा होता है। तो इन दोनों को यदि हम सही बात ही समझ जाएं तो कॉन्सेप्ट अपनी जगह क्या हो गया, एकदम से क्या हो गया, क्लियर हो गया, ओके। तो इस प्रकार से आज हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बताया कि स्टॉक किसे कहते हैं, प्रवाह किसे कहते हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए। तो जैसे अभी एक और ले लेते हैं कि जैसे नदी में पानी बह रहा है तो वो प्रवाह है, नदी में जो पानी बह रहा है वो प्रवाह है, ओके। अब बात कर लेते हैं कि टिहरी डैम की, जो कि उत्तराखंड के टिहरी जनपद में स्थित है, भारत के बड़े डैमों में से इसकी गिनती होती है। तो इस डैम में क्या है कि पानी इकट्ठा होता रहता है, ठीक है, डैम में पानी इकट्ठा होता रहता है, तो पानी ऐसा तो है ही नहीं कि पानी एकदम से आया और स्टोर हो गया, तो जो पानी धीरे धीरे करके आ रहा है तो वो तो हो गया प्रवाह। लेकिन जब टैंक अर्थात झील पूरी भर गई और यदि उस समय गिनती कर दी जाए, ठीक है, कि कितना लीटर उसमें पानी है, तो उसमें तो क्या होगा, करोड़ों लीटर पानी होगा। तो एक समय के एक निश्चित बिंदु पर यदि उसकी माप कर दी जाए कि टिहरी डैम की झील में कितना पानी है, तो वो स्टॉक होगा। लेकिन जो पानी धीरे धीरे करके आ रहा है वो क्या होगा, प्रवाह का उदाहरण होगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, थोड़ा लिखने का तरीका भी बता देते हैं आपको, कि बहुत सारे जो हमारे देखने वाले स्टूडेंट हैं वो क्या कहते हैं कि हम उत्तर कैसे लिखेंगे। तो उत्तर, क्योंकि हम तो समझाने का काम करते हैं, जो हमारे पास डिफिकल्ट पॉइंट होते हैं उनको समझाने का काम करते हैं, तो चलो उत्तर बता देते, उत्तर कैसे लिखेंगे। यदि आता है कि स्टॉक किसे कहते हैं, प्रवाह किसे कहते हैं, ठीक है, और दोनों में अंतर बताइए और उदाहरण भी बताए जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, पहले स्टॉक की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, एक आध उदाहरण भी दे दीजिए, फिर आप प्रवाह की डेफिनेशन लिख लीजिए, ओके। उसके बाद अंतर पूछा जाता है तो आप क्या कर लीजिए, दो कॉलम बना लीजिए, एक इधर का एक इधर का, ठीक है, और इसमें आप क्या करेंगे, स्टॉक के उदाहरण देंगे, अर्थात यहाँ पे स्टॉक का होगा तो इसका ठीक उल्टा यहाँ पे प्रवाह का उदाहरण देंगे, ठीक है, फिर इस प्रकार से यहाँ पे स्टॉक का होगा उसका उल्टा वहां देंगे, इधर देंगे उसका उल्टा वहां देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से निकल कर आ जाएगा, अधिकांश जगह अंत में क्या पूछा गया है, जैसे एनसीईआरटी की पुस्तक में देखते हैं इंटरमीडिएट की मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें पूछा गया भाई कि आप पूंजी और निवेश की तुलना करें कि यदि टैंक में जो पानी उपलब्ध है वो क्या है, और जो पानी आएगा खाली टैंक में वो किसका उदाहरण होगा, तो इसको आप बाद में लिखेंगे, ओके। और बता देते हैं आपको कि देखिए कि जैसे ये प्रवाह है, प्रवाह की हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर एक पीरियड टाइम के अंदर कि माना कि देश के अंदर अभी सड़क है निश्चित टाइम पे 12,000 किलोमीटर सड़क की कुल लंबाई है, माना उदाहरण के तौर पर, और साल के अंत में निवेश करने पर 12,000 किलोमीटर और सड़क बन जाती है, तो उधर का जो प्रवाह है इधर वो क्या करेगा, स्टॉक में वृद्धि कर देगा, तो वह स्टॉक बन जाएगा इधर आके, क्योंकि 12,000 बन चुका है तो वो इधर आगे 12,000 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और इधर 24,000 का स्टॉक हो जाएगा। तो प्रवाह में जितना भी उत्पादन होता है उसके बाद जब उसकी गिनती होती है तो इधर आ जाता है स्टॉक में, किसमें आ जाता है, स्टॉक में आ जाता है। यदि वृद्धि होगी तो स्टॉक में वृद्धि होगी, और यदि प्रवाह में कमी होगी तो इधर स्टॉक में भी क्या होगी, कमी होगी। यदि राष्ट्रीय आय है तो राष्ट्रीय आय में यदि एक साल में कमी होती है तो निश्चित तौर पर क्या होगा, जो पहले से इधर है कुल आय, यदि हम किसी टाइम पीरियड में उसकी गिनती करते हैं एक वर्ष में, तो उसमें कमी आ जाएगी। और यदि राष्ट्रीय फ्लो में वृद्धि होती है, ठीक है, नए नए
रोजगार जनरेट होते हैं तो फिर इनकम आएगी, क्योंकि इनकम कहाँ से आती है, रोजगार से आती है। तो रोजगार जितना ज्यादा बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, और इनकम यदि यहाँ पे बढ़ जाती है तो उतनी इनकम को यदि बाद में स्टॉक में जोड़ दिया जाए तो वह उसको वृद्धि करेगा। इसलिए दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, ये दोनों चीजें क्या है, अलग अलग नहीं है, डिफरेंसेस हैं, लेकिन क्या है कि आगे चलकर जो फ्लो है, फ्लो में जितना भी उत्पादन होगा वो बाद में स्टॉक में क्या करेगा, जुड़ेगा। यदि वृद्धि होगी तो जुड़ेगा, माइनस होगा तो यहां से क्या होगा, घटेगा। तो इस प्रकार से यहीं पर हमारा क्या होता है, ये टॉपिक पूरा होता है। यदि आपको हमारा यह वीडियो या हमारे जितने भी वीडियो YouTube पे अपलोड है, लगभग 150 से ऊपर हमारे जो वीडियो इकोनॉमिक्स के YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनको देख सकते हैं, बहुत आसान भाषा में आपको समझाया गया है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि इससे हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, हमारी समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही इसको लाइक भी कीजिए, और अपने साथियों के साथ जहाँ तक हो सकता है उसको क्या करिए, शेयर कीजिए। शेयर करने में तो कोई नुकसान नहीं है, और साथ ही आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तीनों की आईडी हमारी एक ही है कि त्रिशूल एजुकेशन। अर्थात हमारे चैनल की जो आईडी है यूट्यूब पे, वही हमारे इंस्टाग्राम की आईडी भी है, वही हमारी फेसबुक पेज की आईडी भी है, और वही हमारी ट्विटर की भी आईडी है।